Sambalpur city is one of the best and unique city in India. It is located in western Odisha. ये शहर को लोग पूरे वर्ल्ड में एक ही वजह से जानते हैं, वो हुआ यहाँ का कल्चर। कल्चर में दो चीज आता है, म्यूजिक और ड्रेस, जो दुनिया में कहीं नहीं बनता है, यही शहर में बनता है। और यहाँ का ये खास बात, यहाँ का डैम जो वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट डैम माना जाता है, हीराकुद डैम। The nature of this city attracts the people around the world. यहाँ का नदी और झरना और पहाड़ का व्यू वाकई में रोमांचक है। I am very very privileged and blessed to see such a beautiful Roman Catholic church which is situated in Sakhipara. हम लोग का शूटिंग कंप्लीट हुआ है और आज हम लोग को थोड़ा सा फ्री टाइम मिला है, तो हम लोग संबलपुर शहर में थोड़ा घूम रहे हैं, यहाँ का चीज़ें देख रहे हैं। तो हम लोग अभी महानदी के किनारे में हैं और बहुत ही बेहतरीन लोकेशन में हैं। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दिखाते हैं और देखेंगे वो वाला ब्रिज में हम लोग जाएंगे दोस्तों। अरे अच्छा, और जाएंगे थोड़ा ट्रैफिक एरिया दोस्तों, और इधर रोड चलेंगे। संबलपुर शहर बहुत ही डेवलप हो चुका है और वाकई में ये चीज़ पहले तो ऐसे नहीं था। और यहाँ से हम लोग का रिंग रोड मिलता है, हम लोग थोड़ा सा जा रहे हैं। यहाँ से बहुत बड़ा ब्रिज है, करीब करीब 20 मिनट तो लगेगा हम लोग पार होने के लिए। हम लोग बाय रोड वॉकिंग करेंगे, थोड़ा सा चिल होंगे। ये ब्रिज के ऊपर में हम लोग चल रहे हैं, ये महानदी का ब्रिज, और ये फर्स्ट टाइम हम लोग का मौका मिला है इस ब्रिज में आने के लिए। ये न्यूली अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हुआ है और बहुत ही शानदार है, बहुत वाइड है, मस्त दिख रहा है। और इसी ब्रिज से आपको ये नज़ारा देखने को मिलता है, हमको लगता है वो पहाड़ से नीचे जाएगा, हम लोग का सनसेट होगा देखने के लिए। बहुत ही रोमांचक जगह है दोस्तों, आप पब्लिक इस एरिया में वॉकिंग करते हुए शाम के टाइम में फ्रेश होते हुए दिख रहा है, वगैरह में लवली प्लेस। इवनिंग आवर में हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग आ चुके हैं संबलपुर फैक्ट्री डायरेक्ट। तो अभी दोस्ती भौजी के लिए देखिए इधर देते हुए। इंडिया में खाली संबलपुर में मिलता है दोस्तों, ओरिजिनल क्वालिटी हम लोग लेने के लिए आए हैं। शॉर्ट हम सोचे कि इसको ले लेते हैं डार्लिंग के लिए। क्योंकि हम लोग संबलपुर आए हैं तो कुछ यहाँ से कुछ निशानी संबलपुर का लेके जाना है हम लोगों को। तो चलिए देखते हैं हम लोगों को क्या क्या अभी दिखाते हैं, संबलपुर का क्या है स्पेशल जो हम लोगों के लिए यादगारी बन जाए। क्योंकि ये संबलपुर में हम लोगों का आज लास्ट इवनिंग है और हम लोगों को कल सुबह निकलना है। तो चलिए देखते हैं ड्रेस, डायरेक्ट कनेक्शन हम लोग रांची से लिए हैं भौजी को ऑनलाइन। और अभी देखिए दोस्ती भौजी को दिखा रहे हैं ऑनलाइन ड्रेस, जो कि भौजी कंफ्यूज हैं कौन सा ले कौन सा नहीं। ये अच्छा लगा ना? क्या नाम भैया आपका? सचिन। ठीक है, क्या तो सचिन भैया हम लोगों को पूरा ड्रेस दिखा रहे हैं, देखते हैं। तो भौजी के लिए फिलहाल हम लोग पसंद कर लेते हैं और ऑनलाइन है तो पसंद कर ली, उसके बाद में हम लोग अपना लेंगे, है ना। संबलपुर स्टेशन का नज़ारा आप लोग देखेंगे इस तरह से है दोस्तों, मेन गेट, और उसके बाद इधर है पार्किंग एरिया, इंडियन फ्लैग। बहुत ही शानदार और बहुत ही मस्त दिखने वाला संबलपुर जंक्शन। संबलपुर जंक्शन में आप लोग को स्वागत है, हम लोग अंदर की ओर चल रहे हैं, एंट्री ले लिए हैं। और ये है एंट्री द्वार, ये साइड में छोटा सा गार्डन है दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही फ्लावर से भरा हुआ गार्डन देखने को मिलेगा, वाव। और थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग, हैंगिंग फ्लावर काफ़ी देखने लायक रोमांचक है, फूड प्लाजा भी है,
और साफ सुथरा है। और प्रेम भाई हम लोग को ड्रॉप करने आए हैं, टेटस भाई हम लोग को ड्रॉप करने आए हैं। प्लेटफॉर्म एक में हम लोग का ट्रेन है। वाह, यहाँ देखिए फॉग पेंटिंग देखने को मिलता है, वो जो है वाइट ब्लैक और पिंक का कॉम्बिनेशन और इस टाइप से। तो थोड़ा सा रेलवे स्टेशन में टी स्टॉल चलते हैं और यहाँ का ओरिजिनली प्राइस का पता लगाते हैं कि टी कितना में मिलता है संबलपुर में, पी सकते हैं। कैसे हैं दोस्ती, चाय पी लीजिए। प्रेम भाई का डिमांड है, योर ब्रो। Arriving on platform number 1, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 1852 पूरी हटिया तपस्विनी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। रहा हम लोग का ट्रेन पूरी हटिया तपस्विनी एक्सप्रेस, राइट टाइम में दोस्तों देख सकते हैं, टाइम है 4:23 में और हम लोग का बोगी नंबर है S6 S9 दिखा कहाँ है, 8 S8 आ गया और आएगा अभी 7-6 पीछे है। अंदर चलते हैं दोस्तों, सब स्लीपिंग जोन में है देख सकते हैं। आई लव संबलपुर।